तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्निकल वर्जी यूट्यूब चैनल में। दुबई का एक रुपया या दुबई का एक डॉलर भारत में कितना होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दुबई में कौन सी करेंसी चलती है, ये भी आप सभी को बताई जाएगी। आप इस वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप लोग पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी को हम बताते हैं जो है यहाँ पर दुबई में UAE चलता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, लाइव प्रूफ आप सभी को गूगल पर हम दिखाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देखेंगे UAE का फुल फॉर्म होता है संयुक्त अरब अमीरात, फिर दिरहम, ठीक है, UAE से हम बोलते हैं, और INR मतलब इंडियन रुपीज़, मतलब भारतीय मुद्रा, ठीक है। आप लोगों को हमने बता दिया है संपूर्ण जानकारी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसका जो है UAE भारत में कितना रुपए हो जाएगा, एक रुपये कितना हो जाएगा और 100 रुपये कितना होता है भारत में ट्रांसफ़र करने पर। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एक UAE भारत में 22.56 रुपये के बराबर है। मतलब मान के चलिए आप सभी यहाँ पर अगर आप लोग एक रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो 22 रुपये भारत में देखने को मिल जाएगा। अगर 100 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं, 10 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं 220, 100 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो 2200 रुपये, 1000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो जाएगा। 1000 का इकाई 2.5 सैकड़ा, 1000 मतलब 22000, ठीक है। 10000 ट्रांसफ़र करते हैं तो 2,20,000 आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी है भारत में, 22.56 रुपये के बराबर है इंडिया में, ठीक है। UAE का पैसा भारत में कितना हो जाएगा, 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, 22 रुपये के बराबर है। 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2200 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं दोस्तों। आज का अपडेट आप सभी को हम दिखा रहे हैं, मार्च 2024 का रेट आप सभी को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। और नए नए अपडेट्स आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक टेक्निकल वर्जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, इसी प्रकार के अपडेट्स आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।